हम अपने मॉडल पेपर्स के साथ दावा करते हैं कि आपको आपकी सिलेक्शन तक तो पहुंचा कर रहेंगे आप पढ़े चाहे जहां से भी और एम के भी हमारे अपने प्लेटफॉर्म से तो आप पढ़ते ही ये कंटेंट को बट ये जो आपका मॉडल पेपर्स है इसको आपको करना नहीं भूलना है क्योंकि जो आप एम के सी एनडीए चैनल पर कंटेंट पढ़ के आए हैं उसका एक रिविजन तो बनता है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ ये जो आपका आई का ए का मॉडल पेपर है स्पेसिफिकली ऑफ इंग्लिश इट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन वेर इन ईच क्वेश्चन इज ऑफ फोर मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें एक मार्क्स की होती है तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू योर सिनेम्स पहला आपको दिया हुआ है वर्ड डैट इज सेम बच्चों सेम का मतलब क्या होता है सेम का मतलब होता है समझदार है ना जब आप कोई बात लॉजिकल करते हैं ना रैशनल करते हैं सोच समझ के करते हैं दैट इज योर सेम सो अब आपके ऑप्शन है इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो जाता है असमर्थ वैन यू लैक टू डू समथिंग है ना नेक्स्ट क्या है रैशनल रैशनल अभी बताया था जब हम कोई चीज़ लॉजिकली सोच के कर रहे होते हैं स्पोराडिक स्पोराडिक का मतलब होता है अनइवन मतलब रुक रुक के कोई काम होना है ना स्पोराडिक का मतलब क्या हो जाता है ओकेजनल जो काम कभी कमार हो

इनकर्जन इंकर्जन का मतलब भी हो जाता है अतिक्रमण स्क्रीन स्क्रीन जैसे आप देख रहे हैं आपके फोन में जो स्क्रीन है वही है। retreat. Retreat. Retreat का मतलब होता है टू कम बैक वापस आना है ना टू टेक योर रीट्रीट तो ऑब्वियसली रेट का क्या हो जाएगा बच्चों इनकर्जन जिसका मतलब हो गया अतिक्रमण ठीक है इलीगली किसी पे अपना हक जताने की कोशिश करना चलिए सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन क्वेश्चन को एक सेकेंड रुक के इसको पॉज करके खुद से फिर चेक करिएगा स्टूडेंट्स कि आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम वर्ड ढूंढना है इस वर्ड का दैट इज योर ओडासिटी ऑडासिटी वर्ड को हम लोग रिलेट करते हैं ऑडी से जो लोग ऑडी वगैरह चलाते हैं थोड़े बोल्ड होते हैं ना थोड़े मतलब डरपोक नहीं होते निडर होते हैं सो so, ऑडासिटी का मतलब हो जाता है बच्चों निडर जिसको हम कह सकते हैं बोल्ड ब्रेव अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट ढूंढना है करेज तो सिनेम हो गया माइल्डनेस माइल्डनेस का मतलब क्या हो गया जब हम थोड़े से क्या है विनम्र हो जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बोल्डनेस नहीं है देन बोल्डनेस अगेन सिनेम हो जाएगा स्टूडेंट्स सूद का मतलब होता है शांत करना सूद का मतलब क्या हो जाता है शांत करना जिसको आप कह सकते हो पैसिफाई क्या कह सकते हो पैसिफाई तो इन द गिवन ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट एंटर क्या हो जाएगा माइल्डनेस हमेशा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सिनेम्स एग्जैक्ट ऑपोजिट मिले है ना आपको फार सिनेम्स और फार एंटर करके भी क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जा सकते हैं सो ऑफ दिस वर्ड द करेक्ट एंटरनेम विल बी योर बी ऑप्शन माइल्डनेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर गिव द एंटर ऑफ द वर्ड शैलो शालो का मतलब क्या हो गया जिसकी गहराई बहुत ज्यादा ना हो तो शैलो का मतलब क्या हो सकता है हम लोग कह सकते हैं नॉट डीप जो बहुत ज्यादा गहरा ना हो अवेयरनेस अवेयरनेस का मतलब क्या हो जाता है सतर्क है ना हम लोग कह सकते हैं विजिलेंट फाइन हम्बल हम्बल का मतलब होता है बच्चों विनम्र डेंस सिंफुल का मतलब हो जाता है पाप डीप अब ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट नॉट डीप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा गहरा जो चीज क्या हो गहराई में हो सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव गिव दिन ऑफ द वर्ड कन्फेस्ट कन्फेस्ट का मतलब होता है मान लेना जब हम एडमिट कर लेते हैं है ना कि हमने कोई बात गलत काम किया एडमिट करना ना एग्जाम में आपकी वो कैब्रेरी नरेशन वॉइस इन सबसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही उठ के आते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो उसी कॉन्टेक्स को रखते हुए वी हैव फ्रेम्ड दिस मॉडल पेपर नाउ फॉगिव माने माफ कर देना एडमिट माने मान लेना इंटाइस एंटाइस माने लुभाना इंटाइस माने क्या होता है लुभाना जिसको आप कह सकते हो कोक्स देन एब एपस्टेन माने होता है प्रिवेंट करना किसी काम को करने से खुद को क्या करना रोकना सो so ऑब्वियसली इसका सिनेम पूछा है तो सिनेम हो जाएगा फॉर बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट सेगमेंट को लेके यू हैव टू फाइंड द एरर अब देखिए इसमें कैसा दिया जाता है सेंटेंस दे दिया गया फिर ए बी सी डी में उसको बांट दिया जाता है तो आपको भले ही सेंटेंस यहाँ देखना है बट ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा होने वाला है फॉर एग्जांपल नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन एवरी वन अप अब हमें पता है कि जब हम नो सूनर की बात करते हैं तो वो देन नहीं लेके यहाँ पे दान लेता है है ना बट आप देखो देन का इस्तेमाल कहाँ हुआ है बी में है ना तो so, यहाँ पे देन ना होकर बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा जहां पे हमको देन की जगह क्या लिखना है बच्चों नेक्स्ट से पहले भाई आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाई ऑफलाइन कोर्स की जो फीस है वो मात्र तीस हजार में इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी हो चुकी है तो ये बहुत ही नॉर्मल फीस है जिसमें आपको क्लासेस डाउट काउंटर्स मॉक टेस्ट यूनिट टेस्ट बुक्स हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी है ना उसके अलावा आपको फैसिलिटी दी जाएगी ग्राउंड की भी तो जल्दी जल्दी से इनरोल करें हमारे ऑफलाइन बैचेस में रिटर्न स्पोकन एस इंटरव्यू स्टडी मटेरियल डाउट काउंटर्स और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पे आप कॉल कर सकते हैं थैंक यू बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एरर का ही है दिस कम्स एट अ टाइम वेन फंड इज बीन डबल्ड ये तब आता है जब फंड को फंड एलोकेशन को क्या किया जाता है डबल अब बीन कब आता है जब यहाँ पे हैज हैज अब अब आता आता है इसके साथ तो आता नहीं, तो नहीं पे पे क्या आना चाहिए था बीन देखो यहां पे जो इज लिखा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा उसको हमें हैज बीन करना पड़ेगा और ये पार्ट हमें मिलता है डी ऑप्शन में तो हमारा एरर किस हिस्से में चला जाएगा हमारा एरर डी ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट फाइंड आउट इन करेंट सेगमेंट इन देंटेंस अगेन वन ऑफ देम फॉर गॉट टू टेक देयर बैक बच्चों हमेशा याद रखो कि जब भी हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाए वन आ जाए ईच आ जाए एवरी आ जाए है न उस केस में जो हमारे पॉजिटिव केस लगते हैं वो हिज लगता है सिंगुलर का ही फॉर्म लगेगा कौन सा फॉर्म लगेगा बच्चों तो वन ईच एवरी के बाद आपको सिंगलर प्रोनाउन की जरूरत होती है तो यहाँ पे बैक के पहले जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है वो देर ना होके क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा इट तो अगेन देखो यहाँ पे कौन सा एरर है यहाँ पे सेक्शन में दिया हुआ है ए तो आ, एरर आपका कौन से हिस्से में चला जाएगा ए हिस्से में यहाँ पे देर की जगह क्या लग जाएगा हिज लग जाएगा इट नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेशन का है बच्चों आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो आपके नरेशन के क्वेश्चन हैं इसमें से कौन सा फिट ऑप्शन होगा द बॉस सेट कॉल हिम राइट नाउ अब देखो द बॉस सेट उसको तुरंत बुलाओ टोल्ड ऑर्डर्ड शाउटेड या ऑर्डर ए ऑप्शन द बॉस टोल्ड मी टू कॉल हिम नाउ किस किसमें चेंज हो जाता है बच्चों देन में तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया द बॉस ऑर्डर मी टू कॉल हिम राइट देन The boss shouted and said to call him right then. The boss ordered me to call him quickly. चलिए जल्दी से बताओ आपके according क्या हो जाएगा A, B, C or D. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन फिट नहीं हुआ है इसलिए हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ऑर्डर्ड मी ही होगा सो बेटर ऑप्शन क्योंकि सी दिया हुआ है और वो कह रहा है द बॉस ऑर्डर्ड द बॉस शाउटेड एंड सेट टू कॉल हिम राइट देन और इसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन नहीं किया गया है राइट right? तो इसीलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा है द बॉस सेट टू मी राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन ही सेट टू मी यू आर रिच आर एंड यू बच्चों ये जो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन होते हैं नरेशन में जब ये आपके इन डायरेक्ट नरेशन में चेंज होते हैं तो ये क्वेश्चन टैग चेंज हो जाता है इसकी जरूरत ही नहीं रहती तो अब देखो ही आज मी इफ आई वॉज रिच वॉज टू मी बिल्कुल नहीं ही आज मी इफ आई हैड रिच नो ही आज मी इफ आई वॉज रिच एग्जैक्टली इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन आर सिंपल पा सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन चेंज द नेरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस ही आज हज टीचर नीरा रीड दिस चैप्टर नाउ ये कैसा सेंटेंस है इम्पेरेटिव एम्पेरेटिव में जब इन्वर्डेड कॉमर्स चेंज होते हैं तो वो आपका इफ या वेदर ले लेते हैं ठीक है so, तो देखो ही आज हिस्स टीचर इफ इट वॉज नेरी टू रीड दिस चैप्टर

डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वेदर के बाद यहां पे सब्जेक्ट हमारा ही ही चूज किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चलो चेंज द द द ऑफ गिवन सेंटेंस सस्पेक्ट सेड आई एम नॉट गिल्टी अब ये आपके लिए क्या हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाता है और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है जिससे ये पता चल जाएगा कि आपने अंत तक वीडियो देखी है और आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने से पहले लेटर्स इन्फॉर्म यू कि अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस ले सकते हैं भाई एम के सी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करो और आपको ट्वेंटी फोर नाइन्टी नाइन में बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया की अकेडमी से जुड़ने का मौका मिल जाएगा डेली लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट्स पी डी एफ ऑनलाइन डाउट सेशन हर एक चीज़ आपको अफोर्डेबल प्राइस पर दिया जा रहा है ठीक है तो जल्दी जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए नेक्स्ट चेंज द देशन ऑफ द गिवन सेंटेंस अगेन

कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अब आपको क्या बताना है गिव द मीनिंग ऑफ द एडियम फ्रेजेस लेट द हेयर डाउन लेट द हेयर डाउन का मतलब हो जाता है कि अब आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको क्या हो जाना है रिलैक्स हो जाना है है ना मतलब बिल्कुल क्या करना आराम करना सो यहाँ पे कौन से ऑप्शन हैं बच्चों टेक अ हेयर कट नहीं होगा शो वॉन्स टू नेचर नहीं होगा स्टार्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय फ्रीली सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

find out the incorrect segment again a representative of the reserve bank will provide students a insight into the economic future of our country ab dekho yahan pe insight mani samajh deep understanding insight kisse aa raha hai in e se e ke pehle jo vowel sound ye vowel sound hai vowel sound ke sath hum and ka prayog karte hain But अब ये देखना है ये option कौन सा है और ये option आपका B है तो यहाँ पे ए की जगह आपको B option में error मिल गया कि ए की जगह आप क्या लगा दीजिएगा एन

करना अब आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन टू फ्लैट नेक्स्ट किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन दो काज मतलब आप एक ही निशाने से दो काम कर ले रहे हैं तो बिल्कुल अकम्प्लिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम बी इज द करेक्ट ऑप्शन मतलब हम एक बार में दो काम अपने फिनिश कर ले रहे हैं है ना सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट नेक्स्ट में आने से पहले यू विल हैव टू सी कि जो हमारी एम के सी की एम के सी की जो आई सी जी की बुक्स हैं वो अपने आप में इतनी परफेक्ट हैं जो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन हु बहू आपकी बुक में ही मिलने वाले हैं तो आज ही जाके जल्दी से इनको ऑर्डर कर लीजिए ना फ्री डिलीवरी के साथ ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट भी है नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल ज़ीरो डबल थ्री पे कॉल करिए और इन बुक्स को अपना बनाइए नेक्स्ट पूछा जाता है पैसेज के कॉन्टेक्स में कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो जल्दी से आम गिविंग यू हाफ अ सेकेंड आप जल्दी से इस पैसेज को स्टॉप uh, करिए और पढ़िए एंड देन आई शेल रीड विद यू चलिए अ ग्रेट डील ऑफ द वर्ल्ड वर्क एक बहुत ज़्यादा हिस्सा दुनिया के काम का इज नी प्रोड्यूसिंग मटेरियल थिंग्स ना तो वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है नॉट ऑल्टरिंग ऑल्ट्रिंग माने बदलना द थिंग्स दैट नेचर प्रोड्यूस ना तो वो बदल रहे हैं उन चीज़ों को या तो उनकी जगह ले रहे हैं जो नेचर प्रोड्यूस करते हैं बट डूइंग सर्विस ऑफ वन सॉट और अनदर बट उनके ही तरीके से कोई ना कोई काम तो वो कर ही रहे हैं थॉटलेस पीपल आर एप्ट टू थिंक अ ब्रिक मेकर मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर डायकलोजीवन थॉटलेस पीपल जो होते हैं उनको लगता है कि जो ब्रिक uh, मेकर है वो ज्यादा काम करते हैं प्रोड्यूसर से दाना क्लॉजी मैन मतलब वो ही प्रोड्यूसर है क्लर्जी मैन के अलावा वेन अ विलेज कारपेंटर मेक्स अ गेट टू कीप कैचल आउट ऑफ द फील्ड ही हैज समथिंग सॉलिड इन हिज हैंड विच ही कैन क्लेम फॉर हिज ओन अंटिल द फार्मर पेस फॉर हिम For it. Obviously, जब वो बनाएगा, तो जो उनके पास है वो उसका पैसा मांगेगा दे देता है बट वेन he बॉय मेक्स to टू Obviously जब चिड़िया को भगाने के लिए जब कोई शोर कर रहा होता है तब एक्चुअली में हमारे पास कोई मटीरियलिस्टिक नहीं है दिखाने के लिए दैट इज ऑल एबस्ट्रैक्ट राइट दो नॉइज इज जस्ट एज नेसेसरी एज द गेट ऑब्वियसली और बल्कि दोनों का वही है बच्चों गेट ने भी दूर रखा कैट, मतलब कैटल को बाहर जाने से रोका और नॉइज ने भी क्या किया कि चिड़ियों को दूर रखा फीट से द पोस्टमैन डज नॉट मेक एनी थिंग द पुलिसमैन डज नॉट मेक एनी थिंग द डॉक्टर बट दैट इज नॉट हिज रियल बिजनेस विच इज टू टेल वेन यू ऑट टू टेक एंड वॉट पीपल्स टू टेक

द लॉयर डज नॉट मेक एनी थिंग लॉयर भी कुछ नहीं करता मतलब ये लोग जो काम कर रहे हैं ये आपको कुछ मटीरियलिस्टिक नहीं दिख रहा है इन दैट सेंस ये पैसेज यह बताना चाहता है कि इन टूडेज वर्ल्ड वॉट एवर इट इज इट इज ऑल इन मटीरियल थिंग्स मतलब आप अगर एब्सट्रैक्ट काम कर देते हैं जो दिख नहीं रहा है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है चलिए कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन पार्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन The writer thinks that the doctor is insensible, no, no. Both the doctor and the patient make sense when they offer and other receives a service. No. The doctor is sensible and the patient is insensible. No. Both the doctor and patient are sensible when one makes pills and the other buys them. According Next, the writer's description of the doctor's business. Illustrate the difference between producing something and offering a service no is irrelevant to the main argument Weakens the main argument strengthens the main argument of the passage because the doctor's business is to make pills Doctor business pill but next question According to the author of the passage a large number of persons क्या कर रहे हैं आर डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर मतलब वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसको वो दिखा सके नेक्स्ट इन दी अब पैसेज हु डजेंट हैव एनी थिंग टू डू किसी पास कुछ नहीं है ब्रिक मेकर के पास था कार्पेंटर के पास था विलेज बॉय के पास भी था किसके पास कुछ भी नहीं शो करने के लिए था पुलिस मैन के पास कुछ भी शो करने के लिए नहीं था नेक्स्ट Last thoughtlessly people think a brick make a brickmaker makes more of a producer than a clergyman because Q he cannot understand the philosophical lectures of a clergyman. A brickmaker being physically stronger than a clergyman can naturally produce more. वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते हैं क्लर्जी मैन के ज़्यादा अ क्लर्जी मैन इज एन आइडल उनके पास कोई काम नहीं है ऐसा कोई बात नहीं हुआ है ब्रिक मेकर प्रोड्यूसर समथिंग सॉलिड विच ही कैन कीप टिल ही गेट्स इट्स प्राइस नाउ ब्रिक मेकर इज मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर क्यों क्योंकि उनके वो फिजिक उनके पास क्या है ही प्रोड्यूसर समथिंग सॉलिड जो उनके पास एक सॉलिड चीज़ है और थॉटलेस पीपर को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उनके पास वो सॉलिड चीज़ है जिससे उनको लगता है कि वो पैसे के साथ उसको दे सकते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जीरो इन ऑन वट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज आपको इसका फ्रेज बताना है जीरो इन ऑन जल्दी से बताइए जीरो इन ऑन का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं दैट मीन्स टू फोकस प्रिसाइसली ऑन समथिंग डी ऑप्शन नेक्स्ट टू रैंगल ओवर एन एस एडो टू रैंगल ओवर एन एस शेडो का मतलब हो जाता है कि हम यूजलेसली किसी और चीज़ों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन सो so, ये है हमारे 25 फाइव क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दिया गया है जिसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे एंड यू विल टेलर्स कि आपको और ऐसे मॉल पेपर्स चाहिए क्योंकि सफलता की सीढ़ी यही मॉल पेपर्स के साथ है जय हिंद